awesomely blossomy people out there. Welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, in today's video, I will be talking about feminism. Yes, what do I think about feminism? How do I define it and my take on feminism? Actually, you know, when you scroll through your social media, you see a lot of people posting about it and sharing their views and all of that. So mujhe laga ki mujhe is cheez ke bare mein baat karni chahiye, and I just felt that I should make this video. That's why I'm just sitting down here and sharing my thoughts about it. So if you are interested and if you want to know, please keep on watching. Feminism bada bhari word hai, and uska jo matlab mujhe samajh mein aata hai, it's nothing but equality. So हमें पता है कि बहुत सालों से, सदियों से औरत को दबाया गया है, और आज की नारी एक अलग नारी है. दे डोंट टेक शिट. ठीक है, अगर उन्हें जो गलत लगता है वो बोलेंगी, मुझे गलत लग रहा है, और अगर उनका कुछ मन नहीं करने का है, दे विल टेक अ स्टैंड एंड दे विल से आई डोंट वांट टू डू इट. So that is what is feminism is all about. That equality, like if like जो rights and जो privileges एक आदमी को मिलते हैं वो एक औरत को भी मिलने चाहिए. नाउ इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई ऑनेस्टली फील दैट फेमिनिज्म इज अ वे ऑफ लिविंग. यू नो, एक अंदर से आपको एक आवाज आती है, वो कहती है कि मैं वही करूंगी या मैं वही करूंगा जो मेरा मन है. मुझे कोई ये नहीं बताएगा आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, बिकॉज ये मेरी जिंदगी है. सो आई वॉन्ट टू लिव इट on my own terms, the way I want to do it, the way I want to live it. Now, feminism, जैसे इसका मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि बहुत बार इसका गलत उपयोग किया जाता है. As in, you know, मैं औरत हूँ तो मेरे मुझ पर साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं औरत हूँ तो मुझे ये प्रिवलेज मिलना चाहिए, मैं औरत हूँ तो मेरे साथ ऐसे तरीके से बात होनी चाहिए, इस तरीके से, चाहे मैं कुछ भी करूँ, मैं औरत हूँ. तो मुझे लगता है कभी कभार इट्स यूज एज अ वेपन, विच इज रॉन्ग. सी, जैसे मैंने कहा इक्वालिटी, तो अगर इक्वल राइट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इक्वल राइट्स एक आदमी को मिलने चाहिए और एक औरत को भी मिलने चाहिए. तो अगर मैं एक औरत हूँ और मुझे राइट्स मिल रहे हैं तो मैं उसका नाजायज फायदा नहीं उठा सकती हूँ. मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मैं एक इंसान को 10 गालियां दे दूं और अगर उसमें उसने मुझे एक गाली दे दी तो अरे औरत को कैसे इसने चिल्ला के बात कर दी, या औरत को इस तरीके से गाली कैसे दे दी. You know, I should be prepared as a human. I should not be judged on the basis of my caste, my religion, or my gender. चाहे मैं आदमी हूँ, औरत हूँ, या transgender हूँ, मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ. तो मुझे as a human recognize किया जाए, या as a human मुझे treat किया जाए. ये नहीं कि ये औरत है तो इसका अलग treatment है, ये आदमी है तो इसका अलग treatment है, और ये transgender है तो इसका अलग treatment है. For me, see, it gives you the freedom to live your life on your own terms. So now, जब आपको ये आजादी मिल रही है, आप इसका सही उपयोग कीजिए, आप इसको as a weapon मत use कीजिए. Now another thing which really irritates me is लोग ना, अगर आप ज्यादा, अगर आप सही को सही बोलते हो ना या गलत को गलत बोलते हो ना, तो लोग बड़े याद आते हैं. हाँ, आजकल तो बड़े हर कोई देखो फेमिनिस्ट बन रहा है. मैं यहाँ पे फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सही गलत की बात कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ ये चीज गलत है, आप ये मत करिए. अगर मैं अपना स्टैंड लेती हूँ या मैं किसी और के लिए स्टैंड लेती हूँ तो मुझे फेमिनिस्ट का टैग दे दिया जाता है, और फेमिनिस्ट के टैग से मुझे कोई आपत्ति नहीं है. बट एज अ चार्टर आई गेट इट, यू नो, लाइक अ स्लैप ऑन माई फेस. आ गई फेमिनिज्म बड़ी वाली, बहुत फेमिनिज्म दिखा रही है. मैं फेमिनिज्म नहीं दिखा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि इस चीज को इस तरीके से किया जाना चाहिए, बस. It is either right or wrong. There should be no gray areas. When see क्या होता है ना, for example you are in a marriage, okay, and divorce होता है, ठीक है. अब दो लोगों की नहीं बन रही है, issues है, जो भी है, divorce हो गया, किसी की भी गलती हो सकती है या दोनों की गलती हो सकती है. Without knowing we accuse the woman. औरत की गलती है, इसमें कोई कमी होगी, आदमी तो इतना अच्छा कमाता है, इतना बढ़िया घर है, पता नहीं. औरतों को ना कोई खुश नहीं कर सकता. Without knowing the fact, we just pass such comments. And the sad story is, being a woman, we say such things about other women. Also now, दूसरी चीज़ ये, अगर मान लो cheating की बात आ जाए, ठीक है, एक relationship में cheating, आदमी ने किया होगा यार, इसकी तो जाति ऐसी है, इन लोगों का कोई भरोसा ही नहीं है, इनमें और जानवरों में कोई अंतर ही नहीं है.
जनरलाइज करना, आपको क्या कैसे आप कैसे कह सकते हो विदाउट नोइंग इट कि लड़के ने चीटिंग किया है, लड़की की गलती है? हाउ कैन यू जस्ट जंप ऑन अ कंक्लूजन जस्ट लाइक दैट? अगर आपने मूवी एतराज देखी हो तो बड़ी अच्छी मूवी है वो, अगर नहीं देखी देख लीजिएगा, इट्स अ नाइस मूवी एंड इट कम्स विद अ नाइस मैसेज दैट इट्स नॉट नेसेसरी एवरी टाइम एक आदमी की गलती हो सकता है औरत की भी गलती हो. नाउ अगर चीटिंग की बात किया जाए तो वहां पर एक आदमी और औरत की वजह से दो लोग मिलते हैं एंड ऑल ऑफ दैट एंड देन चीटिंग होती है. सो नाउ उसमें भी हम कहेंगे आदमी इनकी तो जात ऐसी होती है, इस औरत को तो समझना चाहिए था, ये तो शादीशुदा है, गलती सारी इस लड़की की है, इसने ही अपने जाल में फंसा लिया होगा. आई एम लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट टू एडल्ट्स, ये भी खाना खाते हैं, ये भी खाना खाते हैं, ये भूसा खा के पैदा नहीं हुए हैं जो आप इनसे उम्मीद करें कि इनमें इतना दिमाग नहीं है कि ये सही और गलत के बीच में भेदभाव कर सके. जस्ट बिकॉज वो आदमी है तो हम उसको ये कह के छोड़ देंगे, अरे इनकी तो जाति ऐसी है. रेप होते हैं कंट्री में, कहीं भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, रात को घूमना नहीं चाहिए था, इस टाइम पे तो करोगे ऐसे ही होगा ना. इवन इफ हम उस इंसान को सजा दे रहे हैं जिसकी गलती है, बट वी आर अक्यूजिंग द विक्टिम एज वेल एट द सेम टाइम सेइंग दैट आपको प्रिकॉशंस करने चाहिए थे. देखिए अगर मैं एक गर्म पतीले को उठा रही हूँ तो अगर मैं बेयर हैंड से उठाऊंगी तो ऑफकोर्स मुझे जलेगा, मेरे हाथ जलेंगे, मुझे दर्द होगा, तो मुझे कपड़ा का इस्तेमाल करना चाहिए या कुछ सरफी यूज कर लेनी चाहिए. बट यहाँ पर आप कौन से प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं? मैं एक इंसान की नीयत तो नहीं बदल सकती ना, उसमें आप उसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए? देखो उसकी गलती है, वो गलत है, उसको तो आदमी है, वो तो करेगा ही. बीइंग अ वुमन, एक औरत होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपना ध्यान रखें, एंड सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है. सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लोगों को ये बताना कि तुम आदमी हो, तुम्हारी तो नीयत ही ऐसी है, तुम लोग तो है पैदा ही ऐसे हो, तो तुम्हारी सोच ही ऐसी है. जब हम ये भी कर रहे हैं ना तो हम एक पूरे आदमी कम्युनिटी, पूरी जो कम्युनिटी है आदमियों की, हम उन्हें भी जनरलाइज कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग. सो मुझे सी, अब मैं इक्वालिटी बोल रही हूँ. सो अगर फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट माई हाउस, सो माई व्हेन माई हस्बैंड वॉज हियर छुट्टी पे जब वो आए थे, सो आई डू एवरीथिंग लाइक झाड़ू पोछा बर्तन एवरीथिंग आई डू इट बाय माई सेल्फ. मैंने कोई मेड नहीं रखी है बिकॉज मैं अकेली हूँ, मेरे पास टाइम पास कुछ होता नहीं, सो घर के कामों में टाइम निकल जाता है. सो व्हेन माय हस्बैंड ही केम, सो मैं ऑफकोर्स अपने कॉलेज जाती थी पढ़ाने के लिए, एंड देन आई टू कम बैक. व्हेन आई टू कम बैक आई टू आस्क माय हस्बैंड और क्या क्या दिन भर क्या कैसे टाइम पास किया तुमने? कुछ नहीं, नेटफ्लिक्स पे ये सब देखा, देन फिर मैंने शीशा साफ कर दिया, फिर मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया, फिर मैंने सब्जी लेके आ गया था. सो आई डिडंट आस्क हिम टू डू ऑल दीज थिंग्स, उन्होंने खुद से किया बिना ये सोचे कि मैं एक आदमी हूँ तो मैं ये आई एम नॉट सपोज टू डू इट. You know, you need to understand one thing that मैं भी काम करके आ रही हूँ, मैं भी उतनी थकी हुई हूँ, उतनी exhausted हूँ जितने आप हैं. तो you have to give me the benefit of doubt when I'm giving you, when I'm asking you कि चलो ठीक है बैठ जाओ आराम से, पानी पियो, चाय पियो. हम ये चीज़ें क्यों नहीं करते हैं? Luckily, fortunately, मेरे साथ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, मुझे अच्छी treatment मिल रही है. I am treated as a human, I won't say as a woman or as a man, but as a human I have been treated. And that's all what we all want. हमें ये चीज़ क्यों नहीं समझ आया? हम ये लड़ाई में क्यों लग जाते हैं कि मैं लड़का हूँ तो मुझे ये करना चाहिए, मैं लड़की हूँ तो मेरे साथ? अरे नहीं भैया, मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान की तरह रखो. For me, feminism is all about that a human should be treated like a human, irrespective of his gender. हमें ना कभी कभी मुझे लगता है कि जो टर्म को ने एक बांध दिया है कि यू नो फेमिनिज्म इट्स ऑल अबाउट इक्वालिटी एंड राइट्स फॉर वुमेन. नो 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 नो, इज अबाउट द वे यू लिव, द वे यू सी द वर्ल्ड, द वे यू ट्रीट अदर्स. व्हेन आई हैव टू टेक अ परमिशन फ्रॉम समवन आई हैव अ प्रॉब्लम. मैं मतलब 27 साल की हो गई हूँ तो मुझे पता है कि सही क्या है गलत क्या है, राइट? अगर मुझे इस उम्र में नहीं पता तो कब पता चलेगा? सो You don't tell me what I'm supposed to do. When you tell me I have a problem. And also मैं 21वीं सदी सदी की लड़की हूँ ना, वो भी प्रॉब्लम है एक. 90s के हूँ, वो भी प्रॉब्लम है एक. सो मुझे अगर ये चीज़ बताई जाए कि तुम्हें अपने जिंदगी किस सलीके से जीनी है, किस तरीके से जीनी है, मुझे प्रॉब्लम है. क्योंकि हमारी सोसाइटी में लड़कों को ये चीज़ नहीं बताई जाती है. तो अगर आप मुझे बता रहे हो मुझे प्रॉब्लम है, तब इक्वालिटी आती है.
But yes, when I say that you treat a person as a human and you care for me, and then you're telling me, beta ye mat karo, ho sakta hai, you know, ye acha nahi hai, please, logo ka bharosa nahi hai, to tum mat. Then I can, okay. Then I'll buy that. Then I will be like, I'll think about it. ये जो मतलब ये जो डिबेट है काफ़ी लंबा जा सकता है और इसमें काफ़ी लोगों की अलग अलग नज़रियाँ हैं, अलग अलग प्रस्पेक्टिव है, सोच है अलग, वो मैं समझती हूँ. पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना हम जो अपने आप को एक बेचारा फील करवाते हैं ना, हाय मैं बेचारी औरत, बेचारी लड़की. क्यों बेचारी? किस लिए बेचारी? वाई डू यू नीड अ मैन टू डू एवरीथिंग फॉर यू? You are sufficient enough. आप अपना ध्यान रख सकते हो, आप अपना काम खुद कर सकते हो, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो बाहर का काम हो. And आप अपना example हो because आप कर रहे हो. But आप उसको बस acknowledge नहीं करते हो, उसको नजरअंदाज कर देते हो. And then you are like, I don't know, yaar, I'm just, I feel so pity. You know, stop thinking pity about yourself. It's okay, matlab. It's okay. It's okay if you have to do everything all by yourself. It's okay if you have to do घर का काम एंड बाहर का काम साथ साथ मैनेज करना पड़े. इट्स ओके. यू नो यू शुड बी, व्हेन यू डू ऑल ऑफ दैट, यू शुड फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ दैट यू शुड नो पैट ऑन योर बैक, वाह क्या काम किया. आई रिमेम्बर माय फादर यूज्ड टू टेल मी व्हेन आई वाज बॉर्न आफ्टर 7 years ऑफ माय पेरेंट्स मैरिज. सो मैं बड़ा लाडला इकलौती संतान हूँ मैं. सो मैं लड़की पैदा हुई. सो माय फादर वाज रियली वेरी हैप्पी. मेरे घर में सब खुश थे जितना मुझे पता है. सो दे वर रियली वेरी हैप्पी. एंड आई रिमेंबर मेरे फादर जहाँ पे ही यूज टू वर्क, सो वहाँ पे सबको उन्होंने मिठाई, यू नो, मिठाई बांटते, घर में बच्चा हुआ है. सो वहाँ पे एक वर्कर था, उन्होंने मेरे फादर को बोला कि क्या कहते हैं, सर अगर लड़का पैदा होता तो हम मोती चूर के लड्डू खाते. एंड माई फादर वॉज लाइक, आई एम हैप्पी दैट मेरे घर में एक बच्चा हुआ है. चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा बच्चा है, मेरी संतान है. आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. नाउ व्हेन यू से सच थिंग्स, इट हर्ट्स बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट माय चाइल्ड. यू आर टेलिंग मी कि आपकी लड़की हुई तो थोड़ा कम खुश हो आप, लड़का होता तो ज्यादा खुश होना चाहिए था. सो यू नो दिस सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी. इट्स नॉट कि मैं अपने दादा पर दादा के जमाने की बात कर रही हूँ. मैं जब मैं पैदा हुई थी मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ. और लोगों की अभी भी बहुत बार ऐसा होता था कि जैसे माई मदर यूज टू, लकीली माई पेरेंट्स वर रियली सपोर्टिव. दे नेवर मेड मी फील लाइक यू नो कि ओ तुम लड़की हो तो तुम, यू नो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. वी आर वेरी सैड अबाउट द फैक्ट कि हमारी सिर्फ एक लड़की है, लड़का नहीं. दे नेवर मेड मी फील लाइक दैट. सो मुझे ना तब इसलिए थोड़ी ज्यादा मैं फेमिनिस्ट और ज्यादा हूँ कि नहीं. इवन जब भी अगर कहीं हम जाते थे बाहर और वहां पे होते ना बुढ़े जो बुजुर्ग औरतें होती हैं, लेडीज होती हैं, दे विल बी लाइक, अरे सिर्फ एक लड़की है आपकी, ओ लड़का नहीं है, एक लड़का तो कर लीजिए, एक लड़का तो, मतलब ऐसे बातें भगवान की, मतलब ऐसे होता है कि मतलब भगवान एक लड़का प्लीज कुरियर करे, डिलीवर करे. एंड इवन इफ दैट हैपेंस तो मतलब दिस इज लाइक मेरे जो समझ के परे है. एंड ये सब चीजें होती हैं, हुई हैं, तभी मैं बैठ के इन सब चीजों के बारे में बात कर रही हूँ. सो मेरा बस यही आप सबसे निवेदन है कि प्लीज अगर कोई इंसान सही गलत, सही को सही गलत को गलत कहता है, तो उसे ये मत बोलो कि वो फेमिनिस्ट की रानी बनने आ गई है, कि झांसी की रानी आ गई है. नहीं, वो एक सिंपल इंसान है और उसका ये हक बनता है कि वो जो उसे फील हो वो कहे. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट दैट, राइट? तो डेमोक्रेसी सिर्फ लड़कों के लिए तो नहीं है ना, लड़कियों के लिए भी है. सो प्लीज, यू नो, जस्ट थिंक अबाउट इट. एंड या, एंड दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू शेयर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड या, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप टू सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.